हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, मैं पहले आपको मेंशन कर देती हूँ, मेरी वीडियो आपको थोड़ा सा लेट मिलेगी आज, बिकॉज़ मैंने बहुत ही लेट शूट किया है आज वीडियो को, बिकॉज़ आज मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करके कैसे ना कैसे कर आपसे बात करने आ ही गई हूँ। तो थोड़ा सा लेट मिलेगा, कॉपरेट कर लो यार, थोड़ा थोड़ा कर सकते हो तो। कोई ज़्यादा देर नहीं करेंगे और जल्दी से बात करेंगे बिग बॉस के बारे में, क्या क्या हुआ आज बिग बॉस में और क्या था आज बिग बॉस में। आज बिग बॉस में हुआ है चिट चैट शो, रेडियो जॉकी चिट चैट शो, और उससे पहले ही उसमें मतलब उससे पहले ही जैसे ही अनाउंस कर दिया था बिग बॉस ने कि आज ऑडियंस से आपका रूबरू होने का और उनसे बात करने का आपके पास में बहुत ही कम टाइम रह गया है, उन लोगों से बात करने का, उनके सामने अपनी दलीलों को रखने का, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, तो उसको बहुत ही तरीके से आप करें, अनाउंस कर दिया था उससे पहले ही। अब स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कैसे हुआ, क्या हुआ बता देती हूँ मैं। परी देखो, आज जैसे ही मॉर्निंग हुई, मॉर्निंग में करण अपनी बच्चे को याद कर रहे थे कि सिर्फ आठ आठ दिन और मैं भी आना, मैं आपके पास में पहुंच जाऊंगा, और वो अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, अभी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। पर वो बात की, उसके बाद में गाना वाना बजा आज सजन रेडियो, सबने सुना होगा, बजरंगी हमारे सलमान जी का है ये, और आज क्योंकि रिलेटिव जॉकी रेडियो जॉकी शो चिट चैट शो था, तो ऑब्वियसली गाना भी उसी टाइप के बजते हैं जो टास्क होने वाले होते हैं, या इनका कोई मोटिव होता है उस गाने में, मतलब गानों में भी मोटिव देते थे वो बिग बॉस वाले। उसके बाद में आज रोमिल और स्वामी बात कर रहे थे जिम वाले एरिया के पास में, जहाँ रोमिल ने कहा कि स्वामी मुझे ये दावेदारी बहुत ज़रूरी थी और आप चाहें तो मेरी इस चीज़ में मदद कर सकती थी, लेकिन आपने मेरी हेल्प नहीं की, आपने एक दोस्त के नाते मुझे नहीं समझा, और आपको आपको शायद ये चीज़ नहीं मायने रखती, लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखती है, मैंने केबी और श्री से भी ज़्यादा मेहनत की है, मैं केबी की तरह महानता नहीं दिखाई है यहाँ पे और श्री की तरह अग्रेशन नहीं दिखाया है, मैं जैसा हूँ वैसा खेल रहा हूँ। जहाँ स्वामी ने कहा कि देखो मुझे उस टाइम पे जो सही लगा मैंने किया, बाकी का आपको जो समझता है रोमिल आप समझो। जहाँ वो रोमिल उनको उनकी ड्रीम वगैरह के लिए बोल रहे थे, तो जहाँ स्वामी ने उनको क्लियर जवाब दिया कि आप मुझे मेरी ड्रीम ना ही बताएं तो ही बेटर है, मैं जानती हूँ मेरी ड्रीम क्या है क्या नहीं है। और वो ऑब्वियसली देखो, मैं एक बात मानती हूँ कि जो भी स्वामी ने किया वो सब बिल्कुल सही था, बिकॉज सबको अपने अपना हक है अपने डिसीजंस लेने का, जरूरी नहीं है हर चीज़ एक फ्रेंडशिप में रह कर ही की जाए। रोमिल ने जहाँ उनकी हेल्प की थी, उनको जो फैमिली वीडियो अपना खुद का डिनाई करके और जो उनको अपॉर्चुनिटी दी थी, उसके बाद में उसका स्वामी कहीं ना कहीं वो कर्जा उतार चुकी हैं, और उनका भी हक बनता है अपनी तरीके से गेम खेलने का। आप ही उनको वीक बोलते हो, आप ही उनको सब कुछ बोलते हो, और अपने लिए वो गेम खेलती हैं, तो आपको वो कहीं ना कहीं बुरी बात लग जाती है। तो लेट्स फर्दर, ओके। उसके बाद में टास्क अनाउंस हो चुका था, और पहली जो रेडियो जॉकी शो के लिए चिट चैट शो के लिए जो सबसे पहली जोड़ी गई वो थी रोमिल एंड दीपिका जी की, और वहाँ गए और उनसे मिले मलिष्का, आज मलिष्का से जो है रेडियो जॉकी किसान क्वीन दमदार, तो वो गई और उनसे बहुत ही चटपटी बातें हुई, और आज हर कोई हर किसी पे भारी पड़ा है और सबने जी तोड़ जवाब दिए हैं, और मैं भी पता है इन लोगों के जवाब सुन के मैं भी इतनी कंफ्यूज हो गई हूँ कि यार इनमें से कौन सही है कौन गलत है, और लास्ट में डिसीजन, मैं सच बताऊँ ना तो लास्ट में डिसीजन ये निकला है, मैंने जितना आज देखा उस चिट चैट शो के अंदर जो उनके क्वेश्चन से ऑडियंस से भी उनकी बात हुई है, फैंस ने भी इनसे बात की है, जो तो उसमें डिसीजन में यार मेरे को ऐसा लगा कि जो जिसने जो रिप्लाई किया ना वो अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन एक दो तीन जो चीजें हैं मैं बात करूंगी इनके बारे में कि मुझे वो कौन कहाँ पर गलत लगा और कहाँ पर कौन पलटी उन्होंने खाई है। देखो रोमिल से पहले क्वेश्चन पूछा गया कि आप मतलब उन दोनों से पूछा गया कि आप 14 हफ्ते से एक दूसरे को झेल रहे हो, और बिग बॉस वालों ने ज्यादा कुछ नहीं सिखाया था, उतना तो सिखाया दिया था कि आपको एक दूसरे की साथ में रहकर और साथ में लड़ाइयाँ करके एक दूसरे की बहुत ज्यादा सुननी पड़ती है, तो आपको इस काबिल तो उन्होंने बनाया दिया है सुनने सुनाने के लिए। वहीं पर ही उन्होंने कहा कि रोमिल से पूछ कहा गया कि आपकी जहाँ वो बोल रहे थे रोमिल ही बोल रहे थे कि भाई मलिष्का मैडम जी हमारी और दीपिका जी की दुश्मनी तो वर्ल्ड फेमस है, और इतनी फेमस है कि पूरे बिग बॉस घर में शो फेमस हो चुकी है, पूरी इंडिया में फेमस हो चुकी है, पूरी आवाम में फेमस हो चुकी है, तो और इस आवाम ने उन लोगों से बहुत सारे क्वेश्चन भी किए, जनता है सब जानती है, ये जनता है सब जानती है।
तो सब जानती है जनता, वहीं पर ही रोमिल की जो जिस तरीके से स्ट्रेटेजी नहीं है घर के अंदर, उनसे दीपिका जी को शायद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। जहाँ रोमिल ने बोला भी कि दीपिका जी को मेरी स्ट्रेटेजी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जब मैं बनाता हूँ रणनीति कोई करता हूँ तो ये उसमें फंस जाती है और उसकी वजह से ये कहीं ना कहीं उस चीज़ में आ जाती हैं। वहीं पर रोमिल ने कहा कि मैं अपने आपको मास्टर माइंड समझता हूँ तो समझता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि रोमिल एज अ मास्टर माइंड है, क्योंकि अगर सबसे तगड़ा मास्टरमाइंड बोला जाए तो मैं श्री को बोलूंगी, बिकॉज श्री इज अ ब्रिलियंट मास्टरमाइंड, स्मार्ट प्लेयर, फुल एक्टिंग, फुल ड्रामा, उनको पता है कौन सी चीज कहाँ पर प्ले करनी है, और वो ही सबसे बड़ा मास्टरमाइंड होता है। तो मुझे नहीं लगता रोमिल मास्टरमाइंड है, अपने आप को समझते हैं तो ओके, गलत फहमियों को कोई दूर नहीं कर सकता। वहीं पर ही उनसे पूछा गया कि आपको आपको दीपिका जी और उनके रिश्ते के लिए क्या लगता है, ये जो भाई बहन का रिश्ता है या सच क्या है या फेक है। उन्होंने कहा कि ये भाई बहन का रिश्ता बनाकर यहाँ तक पहुंची हैं, और मुझे कहना कहीं ये दीपिका जी फेक लगती हैं। उनके सरे आम उन्होंने जनता के सामने बोल दिया कि मुझे दीपिका जी फेक लगती हैं, और ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दीपिका जी फेक हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं या वो जिस तरीके से दिख रही हैं। हाँ, 2-3 हफ्ते तक मुझे लगा था कि वो एक मुखौटा पहनकर बैठी हुई हैं, वो कहीं ना कहीं निकल कर नहीं आ रही है, लेकिन जब उनकी वो सीमेंट वाली बात हुई, सोएब वाली बात हुई, तो उनका व्यक्तित्व निकला, और उसके बाद से मुझे नहीं लगता कि वो फेक हैं। शो के अंदर वो अपना बेस्ट दे रही हैं, और बेस्ट ही अभी वो भी बहुत अच्छी गेम प्लानिंग करी, चाहे वो किसी भी वे में जा रही हैं, चाहे वो किसी का भी यूज करी, क्योंकि सब यहाँ हर किसी का यूज कर रहे हैं। वहीं पर ही देखो दीपिका जी से क्वेश्चन की गई कि क्या आपको क्या लगता है कि रोमिल जो हैप्पी क्लब के टूटने के बाद में बिखरे हैं, क्या आपको क्या लगता है। जहाँ दीपिका जी ने बोला कि हाँ, रोमिल हैप्पी क्लब के टूटने के बाद में बिखरे हैं, और ये भी मैं भी मानती हूँ इस बात को, क्योंकि रोमिल सच में हैप्पी क्लब के टूटने के बाद में बिखरे हैं, क्योंकि उनकी सारी स्ट्रेटेजी फेल हो गई, सारा जो उनका गेम प्लान था एज ए वो ग्रुप बना के जो चल रहे थे वो सब फेल हुआ है, और वो हुआ है, वो इसमें डिनाई नहीं कर सकते उस चीज के लिए। और वहीं पर ही उनसे एक और क्वेश्चन किया गया कि वहीं पर ही जो रोमिल ने जो क्वेश्चन उठाया था कि मुखौटे वाली बात है, फेक है ये, वो एक बैड वाली बात उठी थी, जिस जो जब डिसीजन लेना था, ये बहुत ज्यादा रूल्स तोड़ रहे थे, तो बिग बॉस वालों ने 8 गद्दे मांगे थे घर घर से, तो वो इसे जिस तरीके से उस टाइम दीपिका का रवैया था, और जिस तरीके उन्होंने उनका जवाब दिया, बहुत ही सही जवाब, तो मैंने पहले भी मेरी वीडियो में जब इस बात पर डिस्कस किया है उस डे पर, कि कहीं मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि आप किसकी और की वजह से ट्रेवल करो, क्योंकि आप कोई टास्क नहीं खेल रहे हो, आप घर के अंदर हो, और वो पता नहीं कब तक होगा, क्योंकि बिग बॉस में अभी तक चीज़ें देखी जाती है कि जब वो चीज़ किसी ले लेते हैं ना तो वो वापस नहीं देते हैं। तो अगर आपने जो नियम तोड़े ही नहीं है, जब आप इतना अच्छे से उनको फॉलो कर रही हो, रूल्स को फॉलो कर रही हो, जो अपनी लाइफ में भी आपने फॉलो नहीं कर रही हो, उस घर के अंदर फॉलो कर रही हो, और उसके बाद में भी आपको ट्रबल हो, आप चैन की नींद ही नहीं सो सकते, तो फिर ऑब्वियसली बंदा गुस्सा होगा ही होगा। तो मुझे दीपिका जी की ये बहुत ही सही बात लगी उस टाइम, पहले भी सही लगी थी और आज भी मुझे बहुत सही लगी है। जो उसके बाद में इन लोगों की बात हुई आपस में, और काफी ऑडियंस से भी बात हुई, जब रोमिल के लिए भी कहा कि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, हम आप बहुत अच्छी लगती हो, दीपिका जी के लिए बोला हमें आप बहुत अच्छी लगती हो, आप फेक नहीं हो, आप रियल हो, और हम आपको बहुत लाइक करते हैं। तो ऑडियंस से बहुत सारी बात की, जनता है, जनता ने सारे क्वेश्चन किए, सारे भेदभाव खोल डाले। जहाँ पर दीपिका जी से पूछा गया कि आप ऐसा हमें क्यों लग रहा है कि आप मतलब कि श्री का यूज कर रही हो, या ये भाई बहन के रिश्ते को एक तरह से दे रही हो, या आपने एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर को पकड़ा हुआ है शो में आगे जाने के लिए। जो दीपिका जी ने के लिए बोला कि पकड़े रहना एक बात अलग होती है, केयर करना एक बात अलग होती है, अगर मेरा एक बॉन्ड किसी के साथ में जुड़ा है तो ये मेरे लिए बहुत बेस्ट है, और मैं इस बॉन्ड को तोड़ना नहीं चाहती हूँ, बाकी का जो लोगों जो लगना है जो लगने दो, बिकॉज वो जो रिश्ता है वो क्लियर दिखाई देता है। और हाँ, कभी कभी वो इरिटेट हो जाती है उन चीज़ों से, शायद उन लोगों को लगता होगा, ऑडियंस को, एज मुझे भी कभी कभी लगता है कि जिस तरीके से दीपिका जी इरिटेट हो जाती हैं श्री की हरकतों से, जैसे बीच बीच में बार बार बोलना, उनको अपना पॉइंट नहीं रखने देना, तो वो एक इरिटेट वाली बात हो जाती है। बाकी का मेरी तरफ से दीपिका जी बिल्कुल भी फेक नहीं है, और रोमिल मेरे लिए बिल्कुल भी मास्टर माइंड नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट जोड़ी पे आते हैं। नेक्स्ट जोड़ी आई सोमी एंड दीपक की, और काफी सारी बातें हुई, जहां पर पहले ही उनको टैग कर दिया गया क्वेश्चन मार्क के साथ में, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता एक दोस्ती का है, जहाँ एक बहुत ही प्यारी दोस्ती है,
और आज स्वामी ने क्लियर कर दिया। जब स्वामी से पूछा गया कि आपको सबसे ज्यादा सॉरी आपने सबसे ज्यादा किसको फेवर किया है, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में थी। कंफ्यूजन में उन्होंने बोला कि अब दिल की जो बात है बोल ही देते हैं, तो उन्होंने बोल दिया कि मैं रोमिल को कुछ ज्यादा ही फेवर की हूँ सो के अंदर। दीपक के लिए मैंने इतना फेवर नहीं किया है क्योंकि इनकी जो इतनी ज्यादा ओवर स्वीट जो केयरिंग है मुझे कहीं ना कहीं भारी पड़ जाती है, मैं इरिटेट हो जाती हूँ उस चीज से और मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ उस बात के बारे में, इसलिए मैंने उनको ज्यादा फेवर नहीं किया, तो मैंने रोमिल को फेवर ज्यादा किया है। वहीं पर ही जब वो सुरभि को जिस तरीके से उन्होंने मौका दिया, वो चाहती तो दीपक और रोमिल को मौका दे सक दीपक तो ऑब्वियसली और रोमिल को मौका दे सकती थी, लेकिन उन्होंने ये बोला जैसे वो पहले ही बोलती आ रही थी, उन्होंने रोमिल के सामने बोला था कि मैं सुरभि को मौका देना चाहती हूँ और यह सबका हक है कि मैं उनको मौका दूं, और उन्होंने बहुत ही सही कहा और कुछ गलत नहीं है इसमें, उनको भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मौका मिलना चाहिए और उन्होंने वो ही किया। और उसके बाद में उनसे पूछा गया कि आपको दीपक की सबसे अच्छी बात क्या लगती है, जो उन्होंने कहा कि दीपक की मुझे सबसे अच्छी बात उनकी केयरिंग लगती है, वो जिस तरीके से मेरी केयर करते हैं, या जब भी मैं बीमार होती हूँ तो मेरी आगे से दीपक को देखती रहती हैं कि कहाँ है दीपक, क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी केयर करते हैं। वहीं बहुत सारे क्वेश्चन किए गए स्वामी से, ऑडियंस ने भी बहुत सारी चीजें पूछी। उसके बाद में दीपक से पूछा गया कि आपके लिए कौन जरूरी रखता है इस शो में, आपके लिए शो जरूरी होता है रखता है या स्वामी, तो उन्होंने बहुत ही स्वीट सा आंसर दिया उस जगह पर, बहुत ही स्मार्ट तरीके से वो प्ले किया उसकी उस आंसर पे कि देखो अगर मैं इस शो में आया हूँ तो ही मुझे स्वामी मिल पाई है, शो से पहले मैं स्वामी को नहीं जानता था, तो शो है तो स्वामी है, और अगर शो नहीं था तो स्वामी भी नहीं थे, तो मैं पहले शो को ही यहाँ पर अपना प्रेफरेंस दूंगा। उसके बाद में उनसे उनकी पानी गले में कुछ अटक रहा है, फिर उनसे उनके अपने उनके फादर वाली बात के लिए, और उसने कॉल आया था कॉलर का जो फैंस थे उनके, कि दीपक जी आपके फादर जब आए थे तो हमसे कहकर गए थे कि ये रिश्ता मतलब स्वामी से कि ये रिश्ता यहीं तक, आप अच्छे दोस्त हो अच्छे मित्र हो लेकिन ये रिश्ता आगे तक नहीं जाएगा, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हो, आपको क्या लगता है? जब उन्होंने कहा कि मैं अपने बापू के बिल्कुल खिलाफ नहीं जाऊंगा भाई, मुझे मार कुटाई नहीं करवानी है अपनी, और मैं कोशिश करूंगा फिर भी, और बाकी का हम बहुत अच्छे दोस्त हैं दोस्त रहेंगे, और फिर उन्होंने कहा भी एक स्वीट सा कि हाँ हम आपसे मतलब ऑडियंस ने जो बोला दीपक के लिए कि आप हमें बहुत अच्छी लगती हो, जब आपकी शादी होगी तो हम पूरे बिहार में हलवा बंटवाएंगे, जहाँ पर दीपक ने बोला कि भाई दीपिका जी से पहले पूछ लेना हलवा भिजवाएं कि नहीं भिजवाएं, उस चीज के लिए तो बहुत ही ऐसे मौज मस्ती हुई उस चिट चैट शो में। वहीं पर ही स्वामी के लिए गाना गवाया गया कि आप अभी स्वामी के लिए कौन सा गाना डेडिकेट करेंगे, जो ऑब्वियसली वो गा चुके हैं पहले भी कि मेरे नैनों ने तेरी नैनों को इस तरीके से कदर देखा है, कुछ इस तरीके से उन्होंने गाना गाया। वहीं पर ही उन्होंने उनसे पूछा गया कि आप फाइनल में किस किस को मतलब आप स्वामी को किससे कंपेयर करेंगे जो जिनसे वो ज्यादा स्ट्रांग है, जहां उन्होंने दीपक ने बोला वो सुरभि से ज्यादा स्ट्रांग है, मुझे नहीं लगता वो सुरभि से ज्यादा स्ट्रांग है, वो केबी से ज्यादा स्ट्रांग है, हाँ वो केबी से ज्यादा स्ट्रांग है मैं मानती हूँ, लेकिन सुरभि से ज्यादा स्ट्रांग मुझे नहीं लगता स्वामी केबी से ज्यादा स्ट्रांग सॉरी सुरभि से ज्यादा स्ट्रांग है। फाइनल में पहुंच गई बंदी और स्ट्रांग बोलना मुझे नहीं लगता। वहीं पर ही उन लोगों से पूछा गया कि आप एक एक क्वालिटी का टैग देंगे घर वालों को, हम आपसे हर एक बंदे का नाम पूछेंगे, आप उनको टैग करोगे, आपको वो कैसे लगते हैं, मतलब क्या टैग देना चाहते हो? जहाँ श्री के लिए जो सुरभि के लिए टैग दिया गया वो पावर, और दीपक ने दिया इमोशनल। उसके बाद में केबी से पूछा गया, केबी से स्वामी ने दिया महान और दीपक ने दिया था स्वीट। और उसके बाद में दीपिका जी के लिए दिया गया मौका परस्त इंसान, मतलब मौका देखकर बात करती हैं या मौका पे चौका मार लेती हैं वो वाला, जहाँ पर दीपक ने बोला कि क्या बोला था से? हाँ उन्होंने भी मौका परस्ती बोला था उनको, मतलब वो भी मौका नहीं छोड़ती हैं। रोमिल के लिए उन्होंने बोला कि स्वामी ने ओवर कॉन्फिडेंट और मैं ज्यादा है, जो मैं जिसमें होता है ना वो टिकता नहीं है यार सीरियसली। उसके बाद में दीपक ने बोला कि ड्रामेटिक है और ड्रामेटिक नहीं ड्रामेटिक ड्रामेटिक है और ओवर कॉन्फिडेंट है। उसके बाद में श्री से पूछा गया, श्री अग्रेसिव है और स्वामी की तरफ से अग्रेसिव उनको लगते हैं, और दीपक की तरफ से उनको स्मार्ट और नाइस एक्टर लगते हैं एकदम। उसके बाद में स्वामी के लिए पूछा गया नॉट अ बीक,
ये स्ट्रोंग है, स्वामी स्ट्रोंग है, वही पर इन लोगों से बहुत चटपटी बातें हुई और उसके बाद में ये लोग जा चुके थे, घर में प्रवेश कर चुके थे दोबारा से चिक चैट शो कंप्लीट करके। उसके बाद में नंबर आया थर्ड जोड़ी का, करण एंड श्री का, और बहुत ही धमाकेदार वाली बातें थी, हर कोई किसी पे भारी पड़ रहा था। लेकिन लास्ट में श्री ने जिस तरीके से जवाब दिया, जब मलिष्का ने पूछा कि आपको आप दीपिका और खुद में से किसको फाइनल में देखते हो, विजेता देखते हो, या श्री ने बोला कि इसको सरप्राइज ही रहने दिया जाए तो बेटर है, 8 दिन बाद तो सबको पता चल ही जाना है। बिल्कुल सही बात, सबको पता चल जाना है। पर वहीं करण से पहले क्वेश्चन जाते ही पूछा गया कि आप लोगों को कैसा फील कर रहे हो आप जानों ने बोला मैं आई एम फाइन, ऐसे बोला गया उन्होंने, जहां पर श्री ने भी लपेट कर उस बात को तोड़ मरोड़ के, मतलब उस पॉइंट को पकड़ के पेश कर दिया हमारे सामने, जहां उनसे करण से पूछा गया कि आपके और श्री के ये जो टर्म्स हैं, जो कहाँ कहाँ से बिगड़े, किस जगह से बिगड़े, तो उन्होंने बोला कि जो अंडे वाला टास्क था जहां पर मैं अकेला पड़ गया था, वो वहां से कहीं ना कहीं ये टर्म्स खराब हुए, और उसके बाद में फिर जो रंगली वाला टास्क था उसमें और भी ज्यादा टर्म्स खराब हुए, फिर वो धीरे 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 क्या वो एक बिगड़ता चला गया, कुछ ये बोले कुछ मैं बोला, और फिर वो एक ना कहीं ना मन में एक खटास रह गई उस चीज की, और वो खटास मुझे नहीं लगता बाहर भी जाकर उनकी खत्म हो पाएगी। वहीं पर ही उनसे पूछा गया कि क्या आपको ऐसा लगता है कि करण की दीपिका की वजह से आपका जो फ्रेंडशिप जोन है या आपका जो कंफर्ट था वो टूटा है कहीं ना कहीं दीपिका के आने से, तो केबी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है दीपिका के आने से, क्योंकि मुझे नहीं लगता दीपिका की वजह से मेरा और उनका कंफर्ट जोन खराब हुआ है, क्योंकि पहले से ही हम लोगों में इतना ज्यादा बातचीत नहीं थी और इतना आपस में, मतलब जो एक फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल होता है वो नहीं था। जहाँ पर श्री ने उनका ये जवाब दिया इस बारे में कि ये ऑब्वियसली कंफ्यूज है, यहाँ इनको कंफर्ट जोन दिखा अपना, ये उधर ही ही जा गए, जहाँ पर ये हैप्पी क्लब में गए तो वो सैड क्लब हो गया, उसके बाद में फिर ये अकेले हो गए, फिर उसके बाद में अभी सुरभि के साथ में हुए, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ग्रुप बनाने की कोशिश की लेकिन उनके ग्रुप नहीं बन पाए। मैं दीपिका जी के साथ में एक ही बंदे के साथ में मैं रिश्ता बनाया हूँ, और जो मेरा अभी बाकायदा चल रहा है और बहुत फेमस हो गया है वो रिश्ता। उसके बाद में उनसे क्वेश्चन किया गया करण से कि आपको, मतलब जिस तरीके से आपकी ये महानता का टैग है या फिर आपका जो ये व्यक्तित्व है, क्या ये रियल है क्या नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मैं रियल है, बिल्कुल रियल है, या एक कॉलर ने पूछा था उनसे, बिल्कुल रियल है, इसमें कुछ फेक नहीं है, और मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, और मैं झुंड में रहना पसंद नहीं करता हूँ, मैं झुंड से बाहर रहना पसंद करता हूँ, जहाँ मुझे शांति दिखती है मैं वहीं जाता हूँ, ओम नमः शिवाय। उसके बाद में यहाँ पर श्री और केबी के लिए क्वेश्चन आया था, रेडियो जो कि सही रिलेटिव थी, वो क्या नाम था, नाम तो मुझे इतना याद नहीं है उनका, उनसे रिलेटिव थी, जहाँ उन्होंने क्वेश्चन किया दोनों केबी से कि मुझे आप दोनों बहुत ही ज्यादा बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन मेरे से आपको मेरा आप दोनों से ये क्वेश्चन है कि जिस तरीके से श्री आपके स्टेटमेंट आए हैं बहुत सारी चीजों में, जैसे कि आपने केबी के फादर के लिए कि इसके बाप की कोई औकात नहीं है, या आप मुझे ऐसा लगता है कि आप मतलब कि केबी को एक सॉफ्ट टारगेट बना के चल रहे हो, उनको पता है कि अग्रेसिव, अगर मुझे अग्रेशन दिखाना है तो मैं केबी के सामने जाकर दिखाऊंगा तो वो कहीं ना कहीं बिखर जाएंगे या फिर फैल जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे उस बात के ऊपर, जहाँ केबी ने जहाँ श्री ने क्लियर बोला कि नहीं मैंने ऐसी कोई बात नहीं बोली है उनके फादर से रिलेटिव, और मुझे नहीं लगता मैंने ऐसे बोला, लेकिन उन्होंने बोला है, जब कौन सा टास्क हुआ था, एक बहुत ज्यादा अग्रेसिव वाला टास्क हो रहा था इनका, जहाँ सुरभि को अपॉर्चुनिटी दी गई थी, उस टाइम पे श्री ने ये वर्ड्स यूज किए थे कि इसके बाप की क्या औकात है, जब इनके फादर वादर वाली कोई बात हुई थी, दोनों के फादर वाली बात हुई थी, वहीं पर ही ये बात शायद उस टाइम पे झूठ बोल गए, लेकिन बाद में उन्होंने वो चीज क्लियर कर ली थी, दीपिका जी के सामने भी वो बोल रहे थे कि मैं जीरो हूँ, मुझे जीरो बोला गया है, ठीक है मैं जीरो हूँ, मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा, मैं दोबारा से गेम में उसमें ग्राउंड में खेल के दिखाऊंगा। उसके बाद में केबी के लिए भी उन्होंने बोला कि उनके फादर की जो उनसे सॉरी वॉरी बोला कि हो सकता है कि भी मैंने बोला हो गुस्से में, लेकिन मुझे नहीं लगता मैंने बोला है, लेकिन फिर भी मैंने बोला है तो मैं उसके लिए सॉरी मांग रहा हूँ। जब केबी ने क्लियर बोला कि मुझे ये बहुत बुरा लगा है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे से बात ना करें और यही मेरे लिए एक कंफर्ट वाली बात होगी, उसके बाद में केबी ने भी शायद जाकर अपने कैमरे वगैरह में बोला था कि पापा सॉरी, पॉप सॉरी, मैं जब तक यहाँ हूँ जब तक मैं इस इंसान से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहूंगा। उसके बाद में केबी के लिए क्वेश्चन ये था कि केबी आपको कहीं ना कहीं गेम को बहुत ही ना समझने में टाइम लगा है और आपको अपने लिए स्टैंड लेने में बहुत ज्यादा टाइम लगा है, तो केबी ने कहा कि हाँ मैं गेम को नहीं समझ पाया, मुझे गेम को समझने में बहुत ज्यादा टाइम लगा है, लेकिन
श्री ने जो मेरे फादर वाली बात बोली है, तो मेरे लिए ये इंसान एक जीरो है, और इस शो में इसका कोई भी रोल मॉडल नहीं है ये शो के, और मैं नहीं चाहता हूँ या मैं नहीं देखना चाहता हूँ ऐसे बंदे को कि वो शो जीते। लेकिन भैया ऊपर वाला सब जानता है, जनता सब जानती है कौन जीतने वाला है। तो ये सब इनकी बहुत सारी बातें आई सामने, और मुझे तो ये लग रहा है कि शायद इन लोगों की कहीं ना कहीं, जो मुझे लगा था कि शायद इस चिट चैट शो के इससे निकलने के बाद में शायद इन लोगों की जो फ्रेंडशिप है कहीं ना कहीं एक बॉन्ड करेगी, एक अच्छा रिलेशन निकल कर आएगा, इनकी बातें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन और ज्यादा बिगड़ गई। उनके फादर वाली बात आ गई, बहुत ज्यादा बातें बिगड़ गई हैं उनकी। ओके, उसके बाद में उससे बीच में भी घर में भी बहुत छोटे छोटे से वाक्य हुए, जहां पर दीपिका जब आई थी, जो उनके लिए बोला गया था, जो दीपक और स्वामी जब गए थे तो उनके लिए बोला गया था कि बहुत ही मौका परस्त इंसान है या एक्टिंग करती हैं उस चीज के लिए। तो शायद वो जब के वो सिरी से डिस्कस कर रही थी, तो सिरी ने शायद सोचा कि मौका परस्त वाली इंसान मेरे लिए बोली गई है, तो वो बहुत एक गुस्से में दीपक के पास में गए और दीपक से बोले कि दीपक तू मेरे वाले में बारे में क्या बोला। तो जहाँ स्वामी ने जो बोला था कि वो बहुत ज्यादा कि मैंने तो आपको अग्रेसिव के लिए बोला था, और मैंने आपको बोला था कि स्मार्ट है और नाइस एक्टिंग है उनकी, तो वो ऐसे देख के हैं ऐसे बोला होगा ऐसे करके, फिर वो टिमटिमा के आंखों को वापिस चले गए। वहीं पर ही आज सुरभि ने बात की केबी से कि आपको मतलब कि पता है आप बहुत अच्छे हो, आप महान हो, आप लोगों के लिए सोचते हो, लेकिन आपकी कहीं ना ये महानता ने बहुत ज्यादा आपको ले डूबी, और आप में ना जो आप स्टैंड नहीं लिए अपने लिए, और आपने कहीं ना कहीं मतलब कि लीडरशिप, आप में लीडरशिप वाली क्वालिटी नहीं है। तो केबी ने बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही नाइसली जवाब दिया यार उसको कि देखो सॉफ्ट सॉरी लीडरशिप वाली बात ऐसी है कि हर कोई यहाँ लीडर नहीं हो सकता, अगर हर कोई लीडर रहेगा तो लीडर का मीनिंग ही खत्म हो जाएगा, और ये सही बात है, हर कोई लीडर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सब एक जैसे हो जाएंगे तो फिर डेफिनेटली यार लीडर का तो कोई मीन्स ही नहीं रहा, फिर लीडर तो क्या हो गया, ऑल लीडर बन जाएंगे तो, क्योंकि डॉन एक ही होता है और हीरो भी एक ही होता है। तो ये सब बातें हुई हैं आज घर के अंदर, और कल आए हैं घर में लोगों से बात करने, उनको पिन करने, उन लोगों की बातें निकालने के लिए मनु एंड प्रीतम, और वो दोनों आए हैं, तो मतलब बहुत ज्यादा मिर्च मसाला मिलने वाला है शो के अंदर। और वो घर वालों को जिस तरीके से टैग कर रहे हैं कि यहाँ पर कौन सबसे बुरा बर्ताव है, दो मुआ कौन है, ऑब्वियसली कोई भी बुरा टैग नहीं लेना चाहेगा अपने लिए, चाहे वो कितना भी बुराई करते हैं या चाहे कितने भी बुरे हैं, ऑब्वियसली कोई नहीं सुन पाएगा। तो करण कहीं ना कहीं दिखाई दिए हैं इस चीज से बिखरते हुए, तो देखते हैं कल क्या करण सच में जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्या होगा और किस किस को क्या टैग मिला है। तो अभी के लिए बाय और गुड नाइट स्वीट ड्रीम, टेक केयर, और अगर यार वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक तो कर दिया करो यार, एक अंगूठा टेकने में क्या जाता है भाई। और अगर मुझे आप अपनी स्क्रीन पर देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और कोई अगर आपका फ्रेंड है जो मुझसे मेरी बातें सुनना चाहता है, बिग बॉस के बारे में जानना चाहता है, तो शेयर कर दो अपने फ्रेंडों को। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो मेरे से कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और आज मेरा ऐसा कोई खास तो जवाब नहीं है, लेकिन हाँ मुझे एक एक क्वेश्चन जरूर पूछना है कि जिस तरीके से श्री ने उस टाइम पे डिनाई कर दी उस बात को कि नहीं मैंने इनके फादर के लिए नहीं बोला है, उसके बारे में आपका क्या सोचना है। और जिस तरीके से करण ने कहा कि मैं अभी आपसे बात ही नहीं करना चाहूंगा जब तक आप शो के अंदर हैं, चाहे मैं शो के अंदर हूँ, आपको क्या लगता है क्या करण ने ये सही डिसीजन लिया है, तो आपको क्या लगता है जल्दी से मुझे इस बारे में बताएं, और बाय।